नमस्ते, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको मैक्रम सिखा रही हूँ। और अभी जो मैं नॉट बता रही हूँ वो है चेन स्टिच नॉट। चेन स्टिच नॉट कुछ इस तरह की होती है, ऊपर से वो चेन की तरह दिखाई देती है और पीछे से थोड़ी सी अलग दिखाई देती है, और इस तरह से हम इसको एंड कर सकते हैं। तो चेन स्टिच जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हम एक धागे को पूरा लगा लेते हैं इसमें, जिस भी रिंग पे हमको लगाना है इस तरह से। और लगाने के बाद में हम इसमें एक इस तरह से लेके और चेन ले लेंगे, नीचे की तरफ हम इसमें चेन बना देंगे, इसको ऊपर किया जितना कर सकते हैं, और ये एक लूप बन गया। लूप बनाने के बाद में हम इसमें बार बार में नीचे से इसमें चेन में से ये ऊपर निकालेंगे और इसको टाइट कर देंगे। इस जो चेन पहले वाली है उसको हम टाइट करते जाएंगे एक हाथ से, और दूसरे हाथ से जो इसका धागा है वो वापस से लूप में डालेंगे। लूप में डालने के बाद में पहली वाली चेन को टाइट कर देंगे, फिर नीचे से इसको डालेंगे और वापस से जो पहले वाली चेन है वो टाइट हो जाएगी। फिर इसमें से नीचे से, मतलब एक ही तार है ये, एक ही स्ट्रिंग है, नीचे से इसको ये देखिए इस तरह से है। तो इस लूप में से ये जो हमारी चेन है, चेन में से नीचे से इसको ऊपर खींचा, खींचने के बाद में इसको टाइट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा खींच के टाइट कर लेंगे, फिर इसको लेके थोड़ी देर बाद में ये अपने आप भी टाइट हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार शेप देने के लिए इसको मतलब सेम जैसी चेन आनी चाहिए, जितनी भी चौड़ाई की चेन ऊपर है वो चौड़ाई सब जगह आनी चाहिए। और एंड में अगर हमारे ये इतना ही बनाना है तो हम इसको इस तरह से फिनिश कर सकते हैं। इस तरह से ये जो है वो ऐसे चेन, और नीचे ये एंड है, इसमें हम कुछ भी लटका सकते हैं। तो इस तरह से ये जो चेन स्टिच है, मतलब चेन स्टिच नॉट, चेन स्टिच हम एम्ब्रॉयडरी में भी करते हैं ना, तो इस तरह से ये जो चेन स्टिच का जो मैक्रम है वो हम आराम से बना सकते हैं। मतलब ये हमारा चेन स्टिच नॉट बन जाता है। थैंक यू।